नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग यूपी पीसीएस की तैयारी करते रहे हैं। आपके हर साल 60, 70, 75 क्वेश्चन ही राइट होते हैं। लाख कोशिश करने के बावजूद भी जो कट ऑफ होता है 85-90 क्वेश्चन के आसपास, वो क्रॉस नहीं हो रहा। अब जब मात्र 40 दिन रह गए तो आप में फिर टेंशन हो रही है कि क्या किया जाए, एक्स्ट्रा क्या किया जाए कि जिससे कि कट ऑफ इस बार पास हो जाए। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कुछ टॉपिक्स की लिस्ट है जो आपको आपके जो एक्स्ट्रा 25-30 सवाल हैं वो सही कराने में हेल्प मिल जाएगा, तो कैसा लगेगा? जाहिर से बात है, आपको ये अच्छा लगेगा कि कोई कुछ टॉपिक दे दे जिससे कि आपके जो 25-30 सवाल जो है जो आपके सही नहीं हो पा रहे, अगर वो सही हो जाएगा तो पीसीएस प्री आराम से क्रैक हो जाएगा। मैं आपको टॉपिक्स दूंगा, पूरा बताऊंगा कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सही स्ट्रेटजी बताऊंगा, अभी 40 दिन का समय रह गया है, उस 40 दिन को कैसे इस्तेमाल किया जाए, किस तरह से इस्तेमाल किया वो बताऊंगा। क्योंकि सबसे पहले आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा, अगर आपको स्ट्रेटजी पसंद आती है तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो लाइक करना पड़ेगा, तभी मजा आएगा, अन्यथा मजा नहीं आएगा। लेकिन सबसे पहले स्ट्रेटजी को समझने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि स्ट्रेटजी क्यों इंपॉर्टेंट होती है। ये एरो है, एरो के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा आपका ये हिस्सा है, ए हिस्सा, और दूसरा है बी हिस्सा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से इंपॉर्टेंट हिस्सा कौन सा है, ए या बी, आप कहोगे दोनों ही हिस्से इंपॉर्टेंट है। ए से जो एरो है इसको स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत मिलती है, दूरी मिलती है, लेकिन बी जो है वो हिस्सा मारक होता है, बिल्कुल पिन पॉइंट जाके वो घातक सिद्ध होता है। अगर इनमें से एक भी हिस्सा नहीं रहेगा तो तीर का कोई मतलब नहीं है, तो इफेक्टिव नहीं रहेगा। पीसीएस की तैयारी कुछ ऐसी ही है, आपका जो ए हिस्सा है ये आपका हार्ड वर्क है, सिलेबस कंप्लीट करने का प्रोसेस है पूरा, ठीक है, जो तरीका प्रॉपर तरीका होता है, और जो बी हिस्सा है वो आपकी स्ट्रेटजी है। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो और सोच रहे हो सिर्फ स्ट्रेटजी करके आप पीसीएस क्रैक कर लो जाओगे तो कभी नहीं होने वाला, ठीक है। या कभी आप सोचते हैं सिर्फ मेहनत कर करके आप बिना स्ट्रेटजी के आप कर ले जाओगे, तो आप मेहनत तो करोगे बट वो कभी भी इफेक्टिव होकर बहुत कम संभावना रहेगी आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम क्रैक करने का भी तरीका होता है, ठीक है। सही स्ट्रेटजी होगी तो आपकी जो मेहनत है वो सही रंग लेकर आएगी। तो आज हम बी वाले हिस्से में करेंगे, टारगेट करेंगे कि सही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप जो है वो ए हिस्सा यानी कि मेहनत वाले हिस्से को इग्नोर कर दो। अगर आप एग्जाम में 40-50 सवाल ही राइट कर पा रहे हो, 50-60 सवाल राइट कर पा रहे हो, इससे ज्यादा नहीं कर पा रहे हो, तब तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनका एक लेवल आ चुका है, जो बस थोड़ा सा अपना आपको अपग्रेड करना चाहते हैं, एग्जाम में वो एक्स्ट्रा 20-25 सवाल राइट करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए है। अन्यथा आप ये मत सोचना कि ये कोई रिप्लेसमेंट है मेहनत का, मेहनत रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। अब ये बात जरूरी होता है, कई बार क्या होता है लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि चीजें काम कैसे करती हैं, बस भाग रहे होते हैं। देखिए, मैंने एक एनालिसिस की और 2021-22-23 का पेपर को जब एनालाइज किया तो मैंने एहसास किया कि लगभग 50-60 क्वेश्चन जो हैं वो इन दोनों ही टॉपिक्स में रिपीट हुए हैं, या तो तीनों में रिपीट हो गए या दोनों में रिपीट हुए हैं। 50-60 टॉपिक है। अब इस टॉपिक का मतलब है या तो क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हुआ है या वो टॉपिक को कवर किया है, या तो जीएस मतलब जीएस का सवाल जीएस में आ गया है, या जीएस का सवाल वही टॉपिक जो है वो करंट अफेयर से पूछ लिया गया है। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए वॉल्केनो को हुआ, कहीं पे वॉल्केनो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, तो वही सवाल करंट अफेयर से पूछ सकता है आपसे, वही सवाल आपको जीएस से पूछ सकता है, ठीक है। टॉपिक रिपीट हुआ है, टॉपिक, ठीक है। तो लगभग 60 टॉपिक रिपीट हुए हैं। अब अगर आप इन 60 टॉपिक्स को ही आप अगर फोकस कर लो कि हाँ भाई ये 60 टॉपिक मेरे गलत नहीं होने चाहिए, तो इसमें से आराम से आप 30-40 सवाल आप सही कर सकते हो आराम से। अगर आपके 70 सवाल राइट होते हैं, 20 सवाल एक्स्ट्रा मिल गया आपको, यहां से आपका प्री निकल गया। 60-65 राइट करते हैं, 25-30 सवाल आपने कर लिए, आपका प्री निकल गया। सही मेहनत करनी है, अभी भी 40 दिन बाकी हैं, ठीक है। अगर सिर्फ टॉपिक सही टॉपिक पर ज्यादा मेहनत करा लेंगे तो हो जाएगा। एक और उठा देता हूं, लेट सपोज घटना चक्र में लेट सपोज आपके 1000 छोटे बड़े टॉपिक है, 1000 छोटे टॉपिक हैं, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 100 टॉपिक जो हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
1000 टॉपिक है, 100 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि आप इस 90% हिस्से को आप चाहे तो एक या दो बार पढ़ लें, लेकिन जो ये 10% का हिस्सा है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप 5 से 6 बार पढ़ लें। वो तो कर सकते हैं ना, घटनाचक या तो हर टॉपिक बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मात्र 10% टॉपिक तो बार बार पढ़ सकते हो, 5-6 बार पढ़ सकते हो अगले एक महीने के अंदर, तो इससे एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो मैं आपको ये 100 टॉपिक बताऊंगा कि ये 100 टॉपिक कौन से हैं जिसको टारगेट करना है, जिसमें से आपको कॉन्शियसली ये मेहनत करनी है कि ये टॉपिक के आने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है, और ये टॉपिक ठीक से पढ़ना है, या तो वो रिपीट कर जाएगा, सवाल ही रिपीट कर जाएगा कि टॉपिक रिपीट कर जाएगा, या तो बेसिक सवाल पूछ लेगा एग्जामिनर या थोड़ा एडवांस कर लेगा। तो इसलिए आपको पूरा टॉपिक ठीक से पढ़ना है, पूरा टॉपिक ठीक से पढ़ना है। एग्जामिनर आसानी पूछ सकता है, बेसिक भी पूछ सकता है और थोड़ा एडवांस पूछ सकता है। इसलिए अगर टॉपिक यहां मेंशन किया है तो आपको वो टॉपिक पूरा कवर करना है। ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कॉल करके 9919521555 पे कॉल करके मुझे आप बोल देना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ये टॉपिक की लिस्ट जो है ये सब आपको मिल जाएगा। अगर खुद से हो जाए बहुत अच्छी बात है, खुद से हो जाए बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप एक कोर्स चला रहे हैं हम आपको, ठीक है, एक सुपर क्रैश कोर्स है, सुपर क्रैश कोर्स है, ठीक है। इसके अंदर जितने भी टॉपिक, मैं आपको 100 टॉपिक दे रहा हूं, 100 टॉपिक्स जो है, 100 से ज्यादा ही होंगे, 100 टॉपिक्स जो है इसके पीडीएफ मिलेंगे आपको, प्लस टेस्ट मिल जाएंगे। इसमें टेस्ट के अंदर आपका घटना चक्र भी होगा और नए क्वेश्चन भी होंगे, यानी कि 100 टॉपिक में हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें ये 100 प्लस टॉपिक जो है ठीक से पढ़ने हैं एक महीने के अंदर, 40 दिन के अंदर, और कोशिश करनी है कि अगर 40-50 टॉपिक क्वेश्चन रिपीट करते हैं तो हमारे 30-40 सवाल राइट हो जाए, बस इतना कोशिश है इसके अंदर। ये रिप्लेसमेंट नहीं है पूरा सिलेबस का, ये सिर्फ आपको अपग्रेड कर रहा है। जो 60-65-70 क्वेश्चन में फंस रहे हो उसमें से आप सुधार करके 20-25 सवाल सुधार करके आप एग्जाम क्रैक कर ले जाओ, ये अपग्रेडेशन आपका है, ठीक है। इसकी जो फीस है 1499 फीस है इसकी, 1499, ज्यादा फीस नहीं रखी गई है, लेकिन ये आप जो अभी तक 2-3 साल से आप मेहनत करके असफल हो रहे हो, शायद इस बार आप निकाल ले जाओ, थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर लीजिए। क्या पता आप मेहनत तो कर रहे हो बट स्ट्रैटेजी सही होने की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट से हो सकता है कि जहां फंसे हुए हो वो रोड ब्लॉक जो है आप दूर करके सफलता की तरफ जा सको। इसके लिए आपको इस नंबर पर ही कॉल करके बात कर लेनी है कोर्स के बारे में, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, टॉपिक बताता हूं मैं आपको कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखिए 2021-2022-2023 टॉपिक्स यहां पर लिस्ट लिखा हुआ है, इन टॉपिक्स रिपीट क्या क्या है, कब 21 में क्या, 22 में क्या है। तो पहले 21 पढ़ते हैं, मुगल एम्पायर से। वैसे तो यहां पर 2021 में सवाल आया, 22 में सवाल आया, तो मतलब कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यह पिछले 3 साल में 2 बार आया हुआ है, तो इसको हम पढ़ेंगे इसको इस तरह कवर करना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उन्हें कवर करें, यानी कि या तो वो 2 बार आया हो या वो 3 बार आया हो तो उनको पहली प्राथमिकता देंगे, जो 2 बार आए हो या 3 बार आए, या तो 3 बार आए हो जिस तरह कहीं दिख रहा है आपको, 3 बार आए हो, ठीक है, या कम से कम 2 बार तो आया ही हो, तो हम उन टॉपिक्स को कवर करके जाएंगे। अगर सिर्फ इतना भी कर लेते हैं तो ये सब टॉपिक मिला के आपके 50-60 टॉपिक हो जाते हैं, और 50-60 टॉपिक्स में से आपको बस 20 सवाल राइट करने हैं, हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो देखिए मुगल एम्पायर 2 बार आया है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आयरलैंड एंड सी 21 में आया, 22 में आया। होलसेल प्राइस इंडेक्स 1 ही बार आया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट 1 ही बार आया। यूपी बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3 बार आया है, इसीलिए यूपी बजट से आपको ठीक से पढ़ाई करनी है, छोड़ना नहीं है, यानी यूपी से संबंधित कुछ भी सवाल है बजट से आपको तैयार रखना है, कॉन्शियसली तैयार रखना है। ये मेरा मकसद सिर्फ है आप समझाना कि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उन टॉपिक को आप कॉन्शियसली ध्यान रखो कि यार ये टॉपिक आएगा मुझे इसको ठीक से पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना सब कुछ है लेकिन कुछ टॉपिक्स को आपको पता है कि यार इससे रिपीट हो सकता है, हमें ठीक से पढ़ के जाना है, चाहे आसान सवाल आएगा चाहे मुश्किल सवाल होगा, हमें तैयार रहना है, बस इतना समय कह रहा हूं। हमें बस 25-30 सवाल चाहिए, अगर आप 60 पे हो तो 30 चाहिए, 70 पे हो तो 20 ही चाहिए आपको, ठीक है। एग्रीकल्चर कंट्री स्टेट 3 में आया हुआ है, यानी कि एग्रीकल्चर से संबंधित हमारे चाहे इंडिया का हो चाहे दुनिया का हो हमें हर चीज तैयार करना है। कंटिन्जेंसी फंड 1 ही बार आया, प्रोग्राम थीम 1 ही बार आया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मॉनसून रिटेनिंग मॉनसून 2 बार आया, यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फटाफट चलते हैं,
पॉल्यूशन तीनों बार आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आसान सवाल हो, चाहे घटना चक्र हो, चाहे नए सवाल हो, हमें पॉल्यूशन को ठीक से पढ़ के जाना है, यूपी स्कीम्स ठीक से पढ़ के जाना, एक एक स्कीम चाहे इस बार की हो चाहे पिछली बार की हो, हमें ठीक से करके जानी है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन सिटीज एक बार है, स्पोर्ट्स एक बार आया, फंडामेंटल राइट्स दो बार आया बल्कि, ठीक है, वाइटामिन एक बार आया, लेकिन एक ही साल में तीन बार सवाल आ गया इसके, हड़प्पा तीनों बार आया हुआ है, यानी करके जाना है, हड़प्पा के साइट्स हैं, हड़प्पा के बारे में जो भी है वो याद करके जाना है। सेंसेस दो बार आया है, यानी इंपॉर्टेंट है, सेंसेस अभी भी इंपॉर्टेंट है, नया सेंसेस हुआ नहीं है 11 के बाद से, ठीक है, लेकिन अभी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दो बार आया है, इंपॉर्टेंट है, संभावना बनती है। रेडियोएक्टिविटी एक ही बार आया, लाइट है एक ही बार आया, इंटरस्टेट काउंसिल एक बार आया, इको मार्क दो बार आ चुका है, यानी कि एनवायरमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फंडामेंटल ड्यूटीज डीपीएसपी तीनों बार आया है, ढंग से पढ़ के जाना है। नोबेल प्राइज एक बार आया है, रूरल स्टेट एक बार आया है, इंटरस्टेट एक बार आया है, मिनिस्टर स्टेट एक बार आया है, डिजीज कॉजेस वैक्सीन तीनों बार आया, यानी कि डिजीज से संबंधित, चाहे वो बेसिक बायो हो, चाहे वो करंट अफेयर का सवाल हो, चाहे वो कॉज का हो, चाहे वैक्सीन का हो, हमें ढंग से पढ़ के जाना है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस तरह से तैयारी करनी है लोगों को, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक बार आया है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स एक बार आया, ओजोन डेज एंड ओजोन, अब ओजोन से पूछा गया या तो इंटरनेशनल डे, करंट अफेयर्स या जीएस कि ओजोन क्या होता है, कहां कौन स्क्वायर के अंदर होता है, तीनों बार पूछा गया है, यानी कि जो ओजोन को पढ़ के जाना है। पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे थ्योरी हो चाहे करंट अफेयर्स हो, पढ़ के जाना है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन एक बार आया, मिनरल एजेंसी हेडक्वार्टर एक बार आया, समिट्स एक बार आया, पब्लिक अकाउंट कमिटीज एक बार आया, अर्बनाइजेशन एक बार आया, रणजीत सिंह एक बार आए हैं, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तीन बार आए हैं, और तीन क्या है तो पांच बार, पांच तीन साल में पांच सवाल आ गए हैं, यानी कि ठीक से चाहे करंट अफेयर्स हो चाहे जीएस हो चाहे भारत की इसकी योजनाएं, हर चीज को ठीक से पढ़ के जाना है। आप इस तरह से तैयारी करेंगे ना, आपके बैक ऑफ द माइंड ध्यान रहेगा कि मुझे कौन कौन से टॉपिक्स को नजर रखनी है, कि वो इनके आने की संभावना है, कौन कौन से टॉपिक की, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका थोड़ा लोड कम हो जाएगा और आप ज्यादा कॉन्शियस हो जाओगे। चलिए, मनी बिल एक ही बार, जीरो आर, जर्निज्म, पॉलिटिक्स केसेस दो बार आया, पॉलिटिक्स में केसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मिनरल नंबर बेस कौन सा है, गोकर्णनाथ कौन सा है, केशव मंदा केस कौन सा है, याद रखना है आपको, पता है कि एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। प्रोड्यूसर प्राइस देखिए हो गया, लेक्स एंड वर्ल्ड दो तीन तीन बार सवाल आ चुका है, यानी इंपॉर्टेंट है, चाहे लेक्स इंडिया की हो, चिल्का लेक कहां है, सांबर लेक कहां है, ठीक है, या इंटरनेशनल हो, ठीक है, सुपीरियर लेक कहां पर है, तो इस तरह से आपको तैयार करना है। इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों से इंपॉर्टेंट है, ढंग से रख लीजिएगा। मिलिट्री एक्साइज लगातार दो बार पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल एक बार पूछा गया है। मिडिवल बुक्स, मिडिवल हिस्ट्री का बुक्स एंड ऑथर तीनों बार पूछा गया है। बुक्स एंड ऑथर का एंशियंट हिस्ट्री हो, मिडिवल हिस्ट्री हो, करंट अफेयर्स हो, आपको ठीक से जाना है। बुक्स एंड ऑथर के ऊपर बहुत सवाल आ रहे हैं, तीनों सवाल आ रहे हैं, याद रखिएगा कम से कम दो सवाल आपको मिलेंगे एग्जाम में, कोई किताब छोड़िएगा नहीं, ठीक से पढ़ के, चाहे वो करंट अफेयर्स की हो, मिडिवल हिस्ट्री की हो, एंशियंट हिस्ट्री की हो, ठीक है। ईपीए दो बार, यानी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 दो बार आया है, यानी करके जाना है। स्केल वायकॉम सत्याग्रह, सोशल डेवलपमेंट दो बार, सोशल डेवलपमेंट के ऊपर दो बार आया, इलेक्ट्रॉन एक बार आया, अपॉइंटमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन। अब देखिए कौन सा इंस्टीट्यूट कहां लोकेटेड है, बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हमें मुख्य मुख्य सभी इंस्टीट्यूट कर लेना है। अब क्या हो रहा है, आपकी मेहनत कम हो रही है, मेहनत कम हो रही है और आपका फोकस बढ़ रहा है कि मुझे किन किन टॉपिक को टारगेट करना है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन दो बार आया, एक बार और आएगा, ठीक है। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस एक्टिव पैसिव रेमेसर साइट्स एक ही बार आया है, एप्स दो बार आए हुए हैं, ठीक है। यानी कि आपको सभी एक्टों के बारे में बताना चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है कि वो कौन से एक्ट में क्या क्या पूछा गया है, दो बार आया है, यानी कि संभावना है दोबारा फिर आ जाए, ठीक है। वाटरफॉल दो बार लगातार दो बार आया है, सारे वाटरफॉल्स इंडिया के और किस रिवर बने हैं, कौन से स्टेट्स के अंदर है, आपको याद रखना है, मैप पे बनाइएगा, ठीक है। फिर आपका आता है वॉल्केनो कंट्रीज एक ही बार आया, एलपीजी सीएनजी बायोमास दो तीन दो साल में तीन बार आया, यानी इंपॉर्टेंट है। एलपीजी क्या होता है, सीएनजी क्या होता है, इस पे कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, किस तरह काम करता है, सब पढ़ना है आपको। गवर्नमेंट स्कीम्स ओहो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी सरकारी स्कीम चाहे यूपी की हो चाहे सेंटर की हो, तीनों कर रही है, किस साल में आई, कब आई, इसके लाभार्थी कौन है, क्या पैसा खर्चा किया है, सब पढ़ना है इसके अंदर, तीनों चीजें करनी है। एसआईटी सोसाइटी ऑफ बंगाल एक बार है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक बार है, यूनियन बजट दो बार आया, यानी कि बजट ठीक से पढ़ना है, चाहे यूपी का बजट हो चाहे सेंटर का बजट हो, ठीक से पढ़ना है, एक सवाल आपको मिल जाएगा इसके अंदर। कमीशंस यूपीएससी एसपीएससी, ठीक है, इसको दो बार पढ़ना है, यानी कि लोग पूछ रहे हैं कमीशन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। सीज एंड कंट्रीज, कौन समुद्र में कौन सी कंट्री है, कौन सी कंट्री के पास कौन सा समुद्र है, दो बार पूछा गया। सभी तरह के सीज आपको पढ़ लेने हैं, जो मुख्य ब्लैक सी है, रेड सी है, इस तरह के सब आपको सीज आने चाहिए, ठीक है। फॉरेन ट्रेवलर्स की बार आया,
इकोनॉमिक कैपिटल एक ही बार आया, बायोस्फीयर रिजर्व दो बार आया, भारत में कौन सा बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर में आपका कोर जोन में क्या एक्टिविटी अलाउड है क्या नहीं अलाउड है, ये सब पता होना चाहिए आपको। यानी आपको वो करंट अफेयर से पूछ सकता है या आपको जीएस से पूछ सकता है। ठीक है, भगत सिंह एक बार पूछा गया आयरलैंड और एशिया या करंट अफेयर्स बुक्स एंड ऑथर पूछा गया, लगातार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएससी ने एक बार इलेक्शन कमीशन तीनों बार आया, इलेक्शन 24 में चुनाव होने वाले, 100% एक सवाल आ जाएगा आपका इलेक्शन को लेकर। ठीक है, यूपी डिस्ट्रिक्ट एक बार, हार्ट तीन बार आया हुआ है, तीन सवाल आए हैं हार्ट के, यानी कि हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा। इंटरनेशनल रिवर्स दो बार आया, सभी तरह की इंटरनेशनल रिवर्स, कौन सी रिवर कहां जा रही है, ठीक है, रिवर को कहां है, मेकोंग कहां है, येलो रिवर कहां है, ये सब पता होना चाहिए आपको। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड डिबेट पता होना चाहिए, संविधान सभा में डिबेट में क्या क्या बातें की गई है, कौन कौन सी कमिटीज बनाई गई हैं, दो बार आया याद रखना आपको। ग्लोबल पीस इंडेक्स एक बार, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक बार, हाईएस्ट पीक्स कौन सी माउंटेन रेंज में कौन सी हाईएस्ट पीक है वो पता होना चाहिए, या तो माउंटेन रेंज का स्टेट से पूछ लेगा या तो पूछ लेगा आपसे कौन सी माउंटेन रेंज किस कौन सी पीक किस माउंटेन रेंज की है। ठीक है, गुरु शिखर कहां पर है, किसकी है, अरावली की है। ठीक है, और राजस्थान से ऊंची कौन सी है, गुरु शिखर, इस तरह पूछ सकता है आपसे वो। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी तीनों साल आया, 100% है, चाहे वो सोलर का पूछ ले, चाहे विंड का पूछ ले, चाहे किसका पूछ ले, चाहे वो करंट अफेयर से पूछ ले, चाहे वो नीति आयोग में कौन सी सरकार ने किस बात कौन सा टारगेट रखा है, कितना टारगेट पूरा किया है, ठीक है, या नया प्लांट कहां लगाया है, ये सब पूछेगा आपसे वो। ट्रेड बैलेंस है, कमिटीज दोनों बार आया हुआ है। ठीक है, कार्बन क्रेडिट आपका एक ही बार है, सातवां एक ही बार है, लोकल मिट्स एक बार है, ऑस्कर एक बार है, ट्राइब्स एंड कंट्रीज से एक तो स्टेट्स का हो गया कि भाई संथाल कहां पर है, गोंड कहां पर है, ये तो आपका पता लग गया, लेकिन इंटरनेशनल में भी आपको पता लग जाएगा कि भैया कालहारी डेजर्ट के अंदर कौन से बुशमैन होते हैं, तो इस तरह के आपको ट्राइब्स एंड कंट्रीज का पूछेगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। पंचायत संबंधित बहुत है, पंचायत वेबसीरीज आपने देखी होगी, लेकिन यहां पर सवाल करना है आपको, और बहुत बार पंचायत से पूछा गया हुआ है। रिवर ट्रिब्यूटीज एंड ओरिजिन, कौन सी रिवर कहां से निकली और इसकी कौन सी ट्रिब्यूटी है, तो मुख्य मुख्य, वैसे बहुत मुश्किल सवाल रहता है ये, लेकिन मुख्य मुख्य आपको ट्रिब्यूटीज और ओरिजिन के बारे में बताना चाहिए। ठीक है, नासिक से कौन, अमरकंटक से कौन से निकली, ये सब आपको बताना चाहिए। फाइनेंस कमीशन देखिए, दो बार आया फाइनेंस कमीशन, और नया फाइनेंस कमीशन भी सेटअप हो चुका है, उसके हेड कौन है, ठीक है, ये सब बताना चाहिए आपको। इकोनॉमिक एक्ट कोड एंड विजेस एक बार आया, हिस्ट्री कॉन्सेप्ट थ्योरी एक बार आया, पॉलिटी आर्टिकल्स, आर्टिकल 315 को क्या है, आर्टिकल 324 कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। टेक्स्ट एंड ऑथर, वही मैंने बुक्स बताया मैं आपको, प्रेसिडेंट एंड वाइस, तीनों राष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देगा, उपराष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है, तीनों साल आया हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, ओईसीडी, यूएनसीटीएडी एक बार आया, इन्फ्लेशन एक बार आया, कॉम्पिटिशन एक बार आया, स्कीम्स एंड ईयर, कौन सी स्कीम में कौन सा ईयर में आई है, स्कूल चले हम कौन सी योजना थी, या ब्लैक बोर्ड योजना, ठीक है, या मिड डे मील योजना किस साल में आई है, ये सब आपको लगातार पूछा जा रहा है आपसे। 1857 में दो बार सवाल पूछे गए हैं आपसे। माइंस एंड मिनरल्स कंट्रीज दो बार पूछा गया है, हर कंट्री में कौन सी माइंस है, कौन सा इलाका इंपॉर्टेंट है पूछना है। जर्मनी में रूर प्रदेश आता है, अलास्का लोरल किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, पॉलिटी के पार्ट्स पूछे गए, चलो वाटरशेड वेटलैंड एक दो बार पूछा गया, इकोनॉमिक्स की बुक्स एंड ऑथर्स आ गए, फंडामेंटल राइट्स आपके आ चुके हैं, बुद्धिस्ट लिटरेचर एक बार है, सेंसस आपका एक बार है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर आप ये बताएंगे कि यही से जुड़ा बात है कि स्टेट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है। ठीक है, तो दोनों है, नेशनल इंटरनेशनल दोनों के बारे में दो साल आया है, कुछ भी पूछा सकता है। ऑफिशियल तो पार्लियामेंट, ग्राम सभा, एजेंसीज, लोकल सिस्टम, डीएनए आरएनए, मेडिवल रूलर्स एंड डिसीजन, सबमरीन, डेजर्ट कंट्रीज, सी बीच्स, वाटर पॉल्यूशन रिपोर्ट एक्ट, नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क, कौन कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में है, किस स्टेट्स में है, सब पता होना चाहिए आपको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेनेटिक डाइवर्सिटी इंस्टीट्यूट एक्सिटू, ठीक है, जी बोल, एल नीनो एक बार आया, मॉडर्न हिस्ट्री फाउंडर दिया गया, रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन दो बार पूछा गया है। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि भाई चापेकर ब्रदर्स कौन से थे, युगांतर कौन से, अनुशीलन समिति कौन सी है, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, दो बार पूछ रहा है यानी इंपॉर्टेंट है। वैदिक एज एडमिनिस्ट्रेशन रिवॉल्ट एक बार है, मुगल आर्ट एंड मुगल जो है, मुगल से जुड़ा आर्ट है गया, ट्राई टाइप्स आ गया, ग्रीन हाउस गैस थ्योरी और करंट अफेयर्स दोनों के हिसाब से पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिल्क आ गया, मूवमेंट एंड प्लेसेस, लीडर्स हो गया, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डीपीएसपी एक बार आ गया,
फॉरेस्ट रिपोर्ट, भारत में फॉरेस्ट रिपोर्ट में क्या है, कौन सा स्टेट में कितना है, यूपी में अगर पूछे यूपी में कितना इलाका जो है वो फॉरेस्ट कवर कंट्रोल करता है, कितना हम टारगेट करते हैं, इंडिया में ओवरऑल कितना फॉरेस्ट कवर है हमारा, वो सब इसके अंदर पूछा गया है। ठीक है, सॉयल्स, चरक संहिता, इकोनॉमिक सर्वे, शेड्यूल्ड पॉलिटी, ठीक है, शेड्यूल नंबर 10, 11, 12, मैं सब फॉलोइंग सवाल कर लीजिए, दो बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता ही नहीं होता कि शेड्यूल कौन से है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा गया है इसके अंदर, क्विट इंडिया मूवमेंट एक बार पूछा गया, कंट्री पोर्ट एसईओ मीटिंग, रिक्स, बायोफर्टिलाइजर, पॉवर्टी, नोबेल गैस, हार्मोन्स, पेशवा, एंशिएंट इंडिया, कैप इन्वेडर्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, थर्मल न्यूक्लियर हाइड्रो प्लांट्स, विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर्स, कौन से राज्य में किस राज्य के कितने मेंबर राज्यसभा के अंदर हैं, कितनी बड़ी विधानसभा है, अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए उसके कितने कितने मेंबर्स हैं, कौन वहां का मुख्यमंत्री है, सब इसके अंदर आने वाला है इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंडेमिक स्पीसीज, ठीक है, बीओडी, अजाथिन फॉच, पॉल्यूशन, सोशल इंडेक्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी और इंडिया, यूपी में कौन सी है, भारत में कौन कौन सी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर हो गया था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आ गया, डेजर्ट एनिमल्स, प्लांट्स, अटॉर्नी जनरल्स, बायोडाइवर्सिटी, पार्लियामेंट, फिलोसफर एंड फिलोसफीज, ठीक है, ठीक है, आपका वेदांत किसने दिया, माधवाचार्य किससे संबंधित है, ये सब आपको फिलोसफर एंड फिलोसफी के द्वारा आएगा। ठीक है, पुराण में कौन कौन सी डायनेस्टीज बनाई गई है, मिंडस एंड माउंटेन्स, पर्सन एरिया, चंद्रगुप्त टू इसमें है, ऑपरेशन बाय गवर्नमेंट, ये 22 के तरह है, ठीक है, इसमें ये एंशियंट हिस्ट्री, ऑफिसियल ड्यूटीज, प्रेसाइडिंग ऑफिसर, विधानसभा, हिस्ट्री, समाज, कौन सा समाज था, कौन सा फाउंडर था, किस सिटी में फाउंडर हुआ, रेपेशन हो गया, इंस्क्रिप्शन हो गया, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, ब्लैक हुक, येलो, व्हाइट, रैन, एस्पर्टिन, ऑक्सीटेसिन, न्यूफ्रीन, वेरियस बैटल्स, मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डर्स, डीपेस्ट पॉइंट इन ओशन, स्टील प्रोडक्शन, इकोलॉजिकल नीश, गंगा एक्शन प्लान, खिलजी, सिटीजनशिप एंड यूटी, असम, मेघालय, बॉर्डर डिस्प्यूट, करंट अफेयर्स का सवाल आ गया, औरंगजेब आ गया, सल्फर ड्रग्स आ गया, यूएनडीपी आ गया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, डॉल्फिन डेज, सिटीज देयर सेम लैटिट्यूड, साइंस, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये 22 में रिपीट नहीं किया, ये अशोक, रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका, सेंटर और इंडस्ट्री, शेरशाह, पॉलिटिकल पार्टीज, बिम्स्टेक, राइट ऑफ एजुकेशन, गॉड सिंबल, एटमॉस्फेयर 7, यूपी डे, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, क्वांटिटी, एसआई यूनिट्स, हार्ट ऑफ लैंग्वेज, एल्युमिनियम प्लांट्स, नीति आयोग, ग्लोबल बिजनेस सिटीज इंडेक्स, न्यूज़पेपर, लीड बैंकिंग स्कीम, लैंड लॉक कंट्रीज, मुगल एम्पायर्स, पेट्रॉन्च, रिवर बेसिंस, डैम्स इन यूपी, सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज, ट्रेड यूनियन पार्टीज एंड एफिलिएटेड। अब देखिए यहां पर दो चीजें हैं, पहली चीज फिर से बताऊं, रिपीट कर रहा हूं कि कुछ टॉपिक्स लगातार रिपीट हुए हैं, हमें सबसे प्राइमरीली उन पे फोकस करना है, प्राइमरीली उन पे फोकस करना है जो लगातार रिपीट हुए हैं, या दो बार या तीन बार, पहली बार उनको करना है, ठीक है, उसके बाद अगर हो सके तो कम से कम 2023 को हमें टारगेट करना है, ठीक है, और कवर करना चाहिए तो 2022 को भी कर लेंगे, तो कम से कम 2022, 2023 और जो तीनों में आए हैं इन टॉपिक्स को हमें करना है, ये टॉपिक मिलाकर लगभग 100 टॉपिक से ऊपर हो जाएंगे, लगभग 100 टॉपिक से ऊपर हो जाएंगे, ठीक है, इसके इजी टू मुश्किल सारे सवाल, रिपीट से नए सवाल, ठीक है, करंट से जीएस सवाल, सब कुछ हमें कवर करना है, हमें पता है इन 100 टॉपिक में से लगभग 50 से 60 टॉपिक रिपीट करेंगे एग्जाम के अंदर, हमारा टारगेट है कम से कम 30-35-40 सवाल हम राइट कर ले जाएं, अगर हमें टॉपिक पता रहेगा तो बहुत संभावना बढ़ जाएगी हम कर ले जाएं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं ये कोई रिप्लेसमेंट नहीं है सिलेबस खत्म करने का, जब तक आप सिलेबस खत्म नहीं करोगे ये स्ट्रेटजी वर्कआउट नहीं करेगी, ये स्ट्रेटजी सिर्फ अपग्रेड करने के लिए है, एग्जाम बिल्कुल 0 लेवल से पास करने के लिए नहीं है ये, ठीक है, और अगर खुद कर पाए बहुत अच्छी बात है, खुद कर लें बहुत अच्छी बात है, ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, नहीं तो अगर आपको हेल्प चाहिए तो एक सुपर क्रैश कोर्स चला रहा हूं मैं आपको, एक 40 दिन का रहेगा, पीडीएफ और टेस्ट सीरीज दोनों मिलेंगे इसके अंदर, पूरा स्टडी मटेरियल बाइलिंगुअल में होगा, टेस्ट होगा, पूरी तैयारी कराऊंगा, याद भी कराऊंगा चीजों को, क्योंकि लोग पढ़ तो लेते हैं याद भी कर पाते हैं, टेस्टों के माध्यम से याद हो पाता है, ठीक है, फीस 1499 है, आप इस नंबर पे 9919521555 पे कॉल करके इस कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, धन्यवाद।